नमस्कार, इन बिजनेस के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज चर्चाओं का दौर चालू है और आज इस वक्त इस चर्चा का जो विषय है महानगर पालिका से जुड़ा हुआ है, नागपुर महानगर पालिका से। जी हाँ, ये एक सिलसिला शुरुआत था जब तुकाराम मुंडे जी जो है नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त बने थे, उनकी अपॉइंटमेंट से लेकर तो अब तक कई घटनाक्रम घड़े हैं। और इसी घटनाक्रम में, आज के घटनाक्रम में जो शामिल है वो ये है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आज जो जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, वहां पर जो सीईओ का पद उन्हें प्राप्त हुआ था या जो उन्होंने स्वयं घोषणा की थी, अब उस पद से उन्हें हटाया गया है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है नागपुर से कांग्रेस के नगर सेवक प्रफुल्ल गुड्डे पाटिल। प्रफुल्ल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। और हमारे साथ में है अमरावती से सिटी न्यूज के सर्वे सर्वा चंदू सोजातिया जी। चंदू सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए मैं सीधा प्रफुल्ल सर के पास में चलता हूँ। प्रफुल्ल सर, आज की घटना क्या अभिप्राय है आपका? स्मार्ट सिटी के सीईओ पद को लेकर जो डिस्प्यूट शहर में पिछले के कई दिनों से चालू है, जी लास्ट सीईओ जो थे रामनाथ सोनोनो जी, जी उनके रिजिग्नेशन बाद गवर्नमेंट ने कोई सीईओ नहीं अपॉइंट हुआ था तब तक के वो चार्ज लेने के लिए तुकाराम मुंडे जी जो मनपा के आयुक्त है उनको मौखिक आदेश दिया था। अभी 4 महीने के बाद माननीय महापौर जी ने उसके ऊपर आक्षेप लिया कि सीईओ का अपॉइंटमेंट का कोई ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट तरफ से निर्गमित नहीं हुआ और उसकी एक प्रक्रिया उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी कंपनी का सीईओ किसी को अपॉइंट करना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग लेना है अलग और उसमें, हाँ, एक मीटिंग में एक ये प्रोसेस के तहत उसको होना चाहिए। जी उसको होना चाहिए, ये आक्षेप महापौर जी के द्वारा दिया गया था। जी वास्तविकता मार्च में लॉकडाउन खत्म लॉकडाउन शुरू होने के बाद तुकाराम जी मुंडे जी ने सीईओ का जो प्रभार संभाला वो फरवरी में संभाला और फरवरी से मार्च एक महीना जी ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं जिसमें उनका प्रपोजल वो बोर्ड में रखे और उसको स्वीकृत करें। उसके बाद तो कोविड शुरू हो गया, 4 महीना वो सिलसिला अभी तक जारी है। ऑल ऑफ सडन महापौर जी को याद आया कि सीईओ की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई और उन्होंने आक्षेप लेना शुरू कर दिया। वास्तविकता गवर्नमेंट का 2018 का एक गाइडलाइन है कि गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करती है तो वो अपॉइंटमेंट को मान्यता देना बोर्ड का काम होता है, मगर गवर्नमेंट ने ऐसी आधिकारिक तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट इस कोविड के चलते नहीं की तो मौखिक आदेश के ऊपर उनको प्रभार संभालने के लिए चेयरमैन ने कहा था, उन्हीं के आधार पर वो प्रभार संभाल रहे थे और उन्हीं के आधार पर पिछले चार महीनों से जी प्रभारी सीईओ के नाते उन्होंने कई सारे निर्णय लिया है। वो निर्णय जी अभी इमीडिएट आज लिया ऐसा नहीं है या कल लिया ऐसा नहीं है, वो फरवरी में भी लिए थे। तो आपका ये कहना है कि उनको बिल्कुल सीईओ का पदभार उन्होंने पहले लिया था, लेकिन उस उनके पदभार लेने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन जो है माननीय महापौर की तरफ से या भारतीय जनता पक्ष की तरफ से बाद में बहुत देर से लिया गया। हाँ, बहुत बहुत विलंब से आया और इनफैक्ट उनको वहां पर उनका अपॉइंटमेंट रेगुलाइज टाइमिंग उसको जी रेगुलाइज करने का ये विषय था। जी सीईओ जो वो काम कर रहे थे उन्होंने सीईओ के कैपेसिटी में किए हुए कामों का जो खर्चा है आज उन्होंने उसको मान्यता दे दी, मगर उनके जी सीईओ पोस्ट को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। वो तो बोर्ड अधिकार है, बोर्ड जो चाहे जिसे सीईओ बना सकता है, मगर उसकी भी एक प्रक्रिया है। जब तक रेगुलर सीईओ अपॉइंट नहीं होता तब तक प्रभारी सीईओ का कार्यभार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है, उसके साथ जी मुझे लगता है कि निर्णय हुआ है। अब ये जो अभी तुकाराम मुंडे जी से सीईओ का प्रभार वापस दिया, जो कि मौखिक रूप से दिया था, तो शायद मौखिक रूप से ही वापस दिया होगा क्योंकि कोई ऑर्डर तो फिर, क्योंकि अपॉइंटमेंट का ऑर्डर नहीं था तो इसका नहीं था। तो ये निर्णय राजनीति को हटकर था कि टेक्निकल पॉइंट पर है, टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने निर्णय लिया कि राजनीति के दबाव के कारण उनको ये हटना पड़ा। नहीं, वो राजनीतिक रीजन ही रहा है, टेक्निकल तो ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकली वो सीईओ यदि नहीं, सीईओ को उनके कार्यकाल को बोर्ड ने मान्यता दे दिया अभी तक के कार्यकाल को, मगर आज से उनको सीईओ पोस्ट से हटा दिया गया है। तो इस तो इसका मतलब यह है कि इस बीच इन्होंने जो बिल को मंजूरी दी थी, जो भी पेमेंट इनके कार्यकाल उसको में हुआ रेगुलाइज है। किया है, आज बोर्ड ने उसको रेगुलाइज किया है, इसका मतलब उनका उनके कार्यकाल को भी रेगुलाइज किया है, मान्यता, उनके कार्यकाल को मान्यता दी कार्यकाल को गई भी मान्यता मिली है। आज तो सीओ नहीं है, वो
वो तो बोर्ड का अधिकार है, बोर्ड ने मेजोरिटी से वो निर्णय लिया है, एकमत से भी निर्णय नहीं हुआ। जो निर्णय सीओ को लेकर हुआ आज बोर्ड में, कोई एकमत निर्णय हुआ, निर्णय नहीं हुआ। सदन का तुकाराम मुंडे जी को विरोध था, सर्वसम्मति से उनका विरोध था, उनके पक्ष में कोई भी सदन में था नहीं। इस विरोध के चलते अब वहां से तुकाराम मुंडे जी को वहां से हटा दिया गया जो सीओ पद था। काम जो भी किए, काम को आपने मान्यता दी। अब उनके हट जाने से नागपुर स्मार्ट सिटी पे क्या फर्क पड़ सकता है? हम यदि सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात करें, उनके पक्ष टेक्निकल रूप से चलो ठीक है, आपकी राजनीति में उनसे नहीं पटी, उनका कार्यकाल का कार्य का ढंग अलग रहा, उन्होंने कहीं पे भी जो लोक प्रतिनिधि उनको अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर जो निर्णय लिया है उसके कारण, यहाँ पे भी अमरावती में ऐसा हुआ था, यहाँ से भी जो अमरावती के मनपा आयुक्त थे उनको हटाए गए थे, कहीं पे अवमानना का प्रश्न आ गया था। तो ये होता है, शासन के साथ में होता है, अक्सर प्रशासन शासन की चलते रहती है। मूल ध्येय की बात कर रहे हैं, मूल ध्येय जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, वो उस पे फर्क पड़ रहा है क्या तुकाराम जी मुंडे थे होने से नहीं होने से? कुछ चीजें इसमें आपने जो कहा कि सदन में तुकाराम मुंडे जी के समर्थन में कोई पार्षद नहीं आए, ये बात सही नहीं है। कांग्रेस के सारे पार्षदों ने प्रस्ताव कर वॉकआउट किया था और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कुछ अपने रूलिंग माननीय महापौर जी ने जी हम विटनेस है। मैं चंदू जी को बता दूं प्रफुल सर की ये बात हुई थी। दूसरा विषय ऐसा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें कुछ पदसिद्ध डायरेक्टर है, जिसमें माननीय महापौर जी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन और दो पार्टियों के गट नेता, जिसमें शिवसेना की गट नेता है और बीएसपी की गट नेता है जी। और माननीय साहब हमारे सभापति नागपुर सुधार प्रन्यास सीपी साहब और ऐसी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी उसमें होते हैं। आज जब सीओ को लेकर विषय चर्चा में आया, चूंकि मैं तो उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बोर्ड का डायरेक्टर नहीं हूँ, मगर मैंने जो जानकारी ली है उसके तहत मुझे जो जानकारी मिली कि आज बाकी ऑफिसर्स ने तटस्थ भूमिका ली और पॉलिटिकल लीडर्स जिसमें महापौर जी है, डिप्टी में अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, रूलिंग पार्टी लीडर और बसपा की नेता है, इनने तुकाराम मुंडे जी के विरोध में भूमिका लेते हुए एडिशनल सीओ जो है हमारे महेश मुरुन जी उनको प्रभार देने की मांग की है। और लीडर ऑफ अपोजिशन तानाजी मनवे साहब ने तटस्थ भूमिका ली, अनुरूप उन्होंने बोर्ड ने निर्णय लेना चाहिए, ऐसी तटस्थ भूमिका ली। और शिवसेना की जो गट नेता है मंगलाताई गौरे, उन्होंने तुकाराम मुंडे जी को अपॉइंट करना चाहे यह विषय दिया। तो इस अब फर्क देखिए कि यूनानिमसली उनको हटाने का निर्णय नहीं हुआ है। बीजेपी के जो सदस्य है, जो डायरेक्टर करके है, उन्हीं लोगों ने उनको हटाने का निर्णय लिया और उसके पीछे की राजनीति क्या है हम पिछले 2-3 महीनों से भली भांति जान रहे हैं। प्रफुल सर, जैसे कि चंदू सर ने सवाल ये पूछा था कि क्या तुकाराम जी मुंडे अगर सीओ के पद पर नहीं रहेंगे तो हम एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक उसके रत्नाकर जी अभी क्या हुआ, इन्होंने जो बताया कि अभी भी कोई मुख्य सीओ का अभी जो मिला प्रभारी है, हाँ अभी भी प्रभारी को हटके प्रभारी आ रहे हैं, तो कार्य प्रणाली में तो कोई पूरे अधिकार क्षेत्र से डेवलपमेंट के लिए जो बॉडी बनाई गई है, हटाके हासिल क्या हुआ? हटाके बिल्कुल हासिल नहीं हुआ। उसका आप फंक्शनिंग देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ओन्ड एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसका नियंत्रण महानगर पालिका के पास है और जिसका नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण आयुक्त के पास है। तो आज सीओ कोर्ट से हटे मुंडे जी, उन्हीं के नियंत्रण में उनको, जो सीओ नए अपॉइंट हुए उनको उन्हीं के नियंत्रण में काम करना होगा। मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट अभी भी आयुक्त के पास में ही है, हाईएस्ट अथॉरिटी अभी तुकाराम जी मुंडे ही है, एग्जीक्यूशन आयुक्त ही है। सकते एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं बोल सकते, वो जो सीओ है उनको आयुक्त के अंडर ही काम करना होता है। सीओ अपॉइंटमेंट की इंडिपेंडेंट प्रोसीजर दी है, सीओ अपॉइंटमेंट के लिए बाकायदा उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करना पड़ेगा और एडवर्टाइजमेंट के बाद जिन लोगों के वहाँ एप्लीकेशन ही उसकी स्क्रीनिंग स्क्रूटनी होके प्रिफरेबली वो आईएएस ऑफिसर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर यदि रहता है उसमें तो जो सीओ को 2 लाख रुपए महीना देना पड़ता है तो देना नहीं पड़ेगा,
तो आईएएस ऑफिसर वहां पे यदि सीईओ अपॉइंट होता है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर खर्चे की भी बचत होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो काम करने की सहूलत हो सकती है वो निश्चित तौर पर होगी। और अभी बोर्ड का जो निर्णय हुआ है वो सिर्फ प्रभारी आयुक्त का कार्यभार देने का है और साथों साथ ये भी निर्णय हुआ है कि एडवर्टाइज देके ये पोस्ट भी भरी जाए। ठीक है, यानी प्रभारी को लाया गया अभी 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 तक के, तो अभी ये प्रोसेस होगी जो पिछले प्रभारी के अंडर में उनको काम करना पड़ेगा। नहीं, प्रभारी को काम अंडर में नहीं करना पड़ेगा, अभी पद आयुक्त आयुक्त तुकाराम जी मुंडे है, अभी पावर पूरे यानी उसके बाद में भी करना मनपा के अंतर्गत ही है ना काम, इनको जो भी रहेगा वही, यानी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा जो भी टेक्निकली देखा जाए तो सारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है अभी भी आयुक्त के हाथ में है। सही कह रहा हूँ मैं प्रफुल्ल जी? हम थोड़ा सा सर पीछे चलते हैं, एक कार्य प्रणाली की समीक्षा, थोड़ा सा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में तो जानकारी दे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऐसे था क्या? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोट किया और उसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए और उसमें हमको सिटी डेवलपमेंट एरिया में क्या क्या बदलाव करना है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पुनापुर पार्टी वो जो पूर्व नागपुर का जो एरिया है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दिया, उसमें लैंड पुलिंग से लैंड एक्वायर्ड करना है। लैंड पुलिंग से लैंड एक्वायर्ड करने के बाद कुछ रिजर्वेशन डेवलप प्लॉट वहाँ पर देना है और शहर में जो भी सुविधा उसमें अपग्रेड कर सकते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ फंड है, स्टेट गवर्नमेंट का फंड है और हिस्सेदारी ऐसे मिला के ये फंड जनरेट होता है और उसके काम डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये तुकाराम मुंडे जी को हटाने का पीछे का मकसद आप समझ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काफी सारी चर्चा हो रही है, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट तुकाराम मुंडे जी ने रद्द किए हैं, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए उसके बारे में महापौर जी तो कोई जिक्र नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, और ये शहर के लिए कैसे फायदेमंद था और कौन से कॉन्ट्रैक्टर का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। मगर यहाँ पे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी क्रिएट हुए हैं, पर्पसफुली हो रहा है ऐसा आपको उनके भी कुछ। जी जी प्रफुल जी बोलिए। उनके उनके कुछ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए इसलिए मुंडे जी को हटाया जा सकता है। एग्जैक्टली जो पुराने कॉन्टेक्ट थे जो किसी भी कारण से किसी को दिए होंगे, किसी के साथ के दिए होंगे, किसी के कारण दिए होंगे, वो कॉन्टेक्ट में कहीं अनियमितता पाई गई होगी या जो हो फुलफिल नहीं हो रहे होंगे तो उसको रद्द करने के चक्कर में उनके विरोध में पूरा पूरा राजनीतिक माहौल तैयार हो गया है। इस शहर के डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर कोई विरोध नहीं हो रहा है, नहीं मुद्दा राजनीतिक का डेवलपमेंट किस तरीके मान सम्मान का होना चाहिए। हाँ, मुद्दा मान सम्मान का है, मान देखिए मान सम्मान का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विशेष है, हर एक के अधिकार निर्धारित किए हैं जी, पार्षद उसकी निर्धारित की गए, हमारे सभागृह के निर्धारित अधिकार निर्धारित किए हैं, आयुक्त के अधिकार निश्चित है, महापौर जी के अधिकार निश्चित है, स्टैंडिंग कमेटी के अधिकार निश्चित है। सवाल यह है कि कौन किसके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, किसको लग रहा है कि मेरे अधिकार कम हो रहे हैं और क्या ऐसे अधिकार कम करने से अधिकार कम नहीं हो सकते। जो बोर्ड को अधिकार है वो बोर्ड को अधिकार है, जो डायरेक्टर को अधिकार है वो डायरेक्टर को अधिकार है, जो कॉरपोरेशन सभागृह का अधिकार है कॉरपोरेशन सभागृह का अधिकार है, जो को अधिकार है इसमें मान सम्मान का क्या बात है, कोई रिश्तेदारी तो नहीं करना है हमें किसी से। फिर तो शहर के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तुकाराम मुंडे को लेकर इतना बवाल क्यों? मेरा वही सवाल था कि शुरुआत से लेकर जो इसके पहले मुझे लगता है जब सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करना है तो फिर कहां किसका ईगो आड़े आया? बात तो कहीं ना कहीं ईगो की है, बिल्कुल नहीं, वही मान सम्मान की बात ही हो गई है, बात तो मान सम्मान की हो गई, बात तो जाके वही आ रही है ना। चलिए प्रफुल्ल जी, आप मुझे मुझे प्रफुल्ल जी मुझे आप ये बताइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी कई लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों ने जो नगर सेवक है उन्होंने ये आरोप लगाया था मुंडे जी के ऊपर में कि ये हमारे साथ में समन्वय के साथ में काम नहीं करते, आप इस चीज को कितना मानते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करता था उनके भी काम के बीच में? हमारे सभागृह होने के पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग आयुक्त जी के साथ महापौर जी के साथ सभी पार्टी लीडर्स की और सीनियर कॉर्पोरेट उसकी तब हमने हमारी मनीषा हमारी जो बात आयुक्त के सामने रखी, आयुक्त जी ने भी उसके ऊपर हामी भरी कि ठीक है जो कोविड की जो स्थिति थी और ये स्थिति को लेकर जो नए नए
गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आ रहे थे, रोज एक नया सर्कुलर आ रहा था। पहले कंटेनमेंट जोन निश्चित करने का पैरामीटर अलग था, 5 किलोमीटर था, उसके बाद 2 किलोमीटर हो गया, उसके बाद 1 किलोमीटर हो गया, उसके बाद वो स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए। समय समय पर बदलता गया। ऐसे में आयुक्त जी ने समन्वय रखना चाहिए, ये भावना हमने आयुक्त के सामने रखी। उन्होंने भी ये मान्य किया कि मैं इसमें समन्वय रखूंगा, मगर मामला इतना बिगड़ गया और ये पर्सनल लेवल पर आ गया, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शहरी विकास के लिए हितकारक नहीं है। वो शासन प्रशासन रहे या पदाधिकारी रहे, दोनों ने इसमें अपनी अपनी जवाबदारी देखते हुए, समन्वय रखते हुए काम करना चाहिए। ये भूमिका मैं इन हाउस जब हमारी मीटिंग हुई थी वहां पे भी रखी और सभागृह के अंदर भी रखी। मामला सिर्फ इसका नहीं है, मामला उसके बाद वो पर्सनल लेवल तक गया, जो मुझे लगता है वाजिबी है, अनावश्यक है। और जब अभी महापौर जी ने कंप्लेन किया कि 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार तुकाराम मुंडे जी द्वारा किया गया, और आज के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी में वही खर्चे को उन्होंने रेगुलाइज कर लिया, तो भ्रष्टाचार क्या, तो आरोप खत्म हो गया। तो इससे तो शहर की बदनामी होगी, शहर में कोविड के चलते क्या काम हुए, हमारे रेवेन्यू के चलते काम हुए, कुछ भी काम नहीं हो रहे। प्रशासन के साथ समन्वय बना के रखने का जवाबदारी ये निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की है, काम नहीं है कि उनका संबंध कैसे चला है। सत्ता पक्ष का ही आरोप था कि हम संबंध बनाने के जहां जहां कोशिश करें वहां पर संबंध बनाने ही नहीं दिए जा रहे। समन्वय कॉन्ट्रैक्ट कर ये चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो समन्वय कभी बन नहीं सकता। एक स्पेसिफिक आदमी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए या ये रेट में ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ये कोई डेवलपमेंट के लिए समन्वय नहीं चाहते, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए समन्वय चाहते, ये मूलभूत अंतर आप समझ। चलिए एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि जिस चीज का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसको बाद में रेगुलर कर दिया, क्या यानी फिर क्या क्या समझ जाए, जनता क्या समझेगी, आप पे कहाँ विश्वास करेंगी जनता। हाँ तो यही सवाल खड़ा है कि एक जगह आपने कहा कि ट्रांजैक्शन जो है ये, मैं तो जवाब महापौर जी से चाह रहा हूँ, हम भी आपके समान आपसे जवाब ही चाह रहे हैं जी। ये सवाल हम उनसे भी जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम मैं आगे की बात करूंगा। इसका जवाब तो जिन्होंने आरोप किया उन्हें नहीं देना चाहिए। तुकाराम मुंडे प्रशासन और जनप्रतिनिधि और आम जनता, अब आज की स्थिति में जो आंकड़े कोरोना के पार्श्व में बढ़ रहे हैं, जो अनलॉक की स्थिति में है, ये तो पहले समझ में नहीं आ रहा कि हम अनलॉक में या लॉकडाउन में है। अब आप कैसा नागपुर के दृष्टिकोण से देखते हैं पाटिल साहब? नहीं, हम अभी भी लॉकडाउन में ही है, अनलॉक पार्शियली ओपन किया गया धीरे धीरे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कुछ चीजों को छूट दी जाती है जी। इसलिए हम अभी तक के अनलॉक पूरी तरीके से अनलॉक स्थिति में नहीं है, 30 जुलाई तक के पूरे तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में है, उसमें कुछ चीजों को लेकर उन्होंने रियायती दी है, इसलिए मुझे लगता है कि स्पष्ट आदेश है। अब जैसे कि नागपुर में आप देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या एक सख्त लॉकडाउन होना अनिवार्य है? आज मैं खबर देख रहा था कि पुणे और औरंगाबाद यहाँ यूपी लॉकडाउन, यूपी में भी लॉकडाउन 15 तो पूरे देश के 2 दिन का अमरावती में भी है। हम नागपुर शहर को लेकर चिंतित नहीं है, पूरे देश में ही ये तय हुई है। इसके ऊपर जो एक्सपर्ट कमिटीज है, मैं तो उसके ऊपर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट कमिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके ऊपर पहुंचेंगे और उसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जनता ने क्या और प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऐसा आप समझते हैं? जनता ने प्रिकॉशन लेना चाहिए, अनावश्यक बाहर नहीं जाना चाहिए। आज जो भी बाहर जाते हो कुछ काम धंधे को लेकर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के रोजगार चला गया, कई दुकानों में आज भी धंधा नहीं हो रहा है, ये स्थिति तो काफी गंभीर है, कठिन है। आज दुर्भाग्य यह है कि ये कठिन स्थिति में, कठिन समय में हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए जी, राजनीति नहीं, बहुत सही बात कही।
जी, सही, बहुत सही बात कही आपने। मैं चलते चलते दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज इस परिप्रेक्ष्य में, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति हो रही है, पाटिल साहब खुद नगर सेवक है कांग्रेस के, लेकिन उनका भी मानना है कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस चर्चा को अब यही विराम देना चाहूंगा क्योंकि समय की बड़ी कमी है। मैं धन्यवाद करता हूँ पाटिल सर आपका, चंदू जी आपका, कि आपने इस चर्चा में सहभाग लिया। दर्शकों से फिर से एक बार अनुरोध करेंगे कोरोना के परिप्रेक्ष्य में आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।